प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजधानी भोपाल में दुर्गा मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। कमलनाथ सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर भोपाल के टीटी नगर स्थित दुर्गा मंदिर में सद्भावना अधिकार मंच ने कमलनाथ सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने थाली, शंख और घंटी बजाकर सरकार को जगाने के लिए प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। निश्चित रूप से जो कुंभकर्णी नींद में ये सरकार सोई हुई है, आज जिस हिसाब से प्रदेश में दहशत भरा माहौल है, अराजकता का माहौल है, आज जनता त्रस्त है और माननीय कमलनाथ जी तबादलों में व्यस्त थे। ये 6 महीने में 16,000 से ज्यादा तबादले कमलनाथ जी ने किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होकर लॉ और ऑर्डर में तब्दील हो गया है। सिर्फ और सिर्फ दलाली में व्यस्त सरकार है ये। और जो शिकायतकर्ता हैं, आज जो कल बेरागढ़ में एक बालक की पुलिस के द्वारा जो पिटाई करके जो उसकी हत्या की गई है, निश्चित रूप से हम डीजीपी मध्य प्रदेश से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस मामले में हम गृह मंत्री बाला बच्चन जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। कि जिस प्रकार से सरकार कांग्रेस की अस्तित्व में आई, उसके बाद से मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है, उसको लेकर आज सद्भावना अधिकार मंच के तहत हमने सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना की है। सरकार जन सामान्य के जो काम है उनसे सरोकार रखे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है। लगातार जिस प्रकार से बलात्कार, डकैती, अपहरण, लूट, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में, इन सारी चीजों से जनता में जो आक्रोश पनप रहा है, उसकी परिणति दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से ठप्प हो चुका है सरकार में। उस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इससे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया। कुल मिलाकर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर लोग अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।